युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दुश्मन सेना मैदान में उतर चुकी है, लेकिन सबसे पहले सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाले चादर ताने सो रहे हैं, हथियारों पर जंग लगी है, वॉर रूम खाली पड़े हैं और छावनी में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का कमाल देखिए, उससे पहले तैयारियों का हाल देखिए। संग्राम से पहले छावनी में सन्नाटा, क्या ऐसे उड़ेगी कांग्रेस की पतंग? जंग लगे हथियारों से कांग्रेस की जंग, छावनी छोड़ भागे सियासी सिपाही, मैदान में किसके सहारे उतरेंगे? इस तस्वीर को देखकर चौंकिए मत, ना ये कोई मुगल कालीन इमारत है, ना ही कूड़ेदान, ना ही प्लेग्राउंड है, ना ही कोई संरक्षित स्मारक, लेकिन हाल कुछ ऐसा ही है, कूड़े का ढेर, कमरों पर ताले और पतंग उड़ाते बच्चे। इसके हाल पर मत जाइए, ये लखनऊ में यूथ कांग्रेस और NSUI का कार्यालय है। जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, चुनाव आयोग दुदुम्बी बजा चुका है, विरोधी तरकश संभाल चुके हैं, उस दौरान कांग्रेस के वॉर रूम या कहें छावनी में सन्नाटा पसरा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की रणवेरी बज चुकी है और हर राजनीतिक पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आने को तैयार है। 27 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी की बाहर जो हो रही, कांग्रेस ने भी इसके लिए खासी तैयारियां कर रखी हैं। इस वक्त हम युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर खड़े हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं युवक कांग्रेस की तरफ से इस विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और कैसा माहौल इस वक्त प्रदेश कार्यालय में है। कांग्रेस 27 साल से यूपी की सत्ता में वापसी की बात जो हो रही है, खुद पर भरोसा नहीं हुआ तो साइकिल का सहारा ले लिया, लेकिन असल बदहाली तो यहाँ नजर आ रही है। युवा कार्यकर्ताओं में पहुंच बनाने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस और NSUI की है, लेकिन कांग्रेस के इन दोनों ही फ्रंटल संगठनों की लापरवाही का आलम यह है कि उनके प्रदेश कार्यालयों पर ताले जड़े हुए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे की पूरी टीम में से किसी को ये फुर्सत नहीं कि वो प्रदेश कार्यालय में बैठकर बूथ लेवल की तैयारियों का जायजा ले सके। दोनों ही कार्यालयों में गंदगी का अंबार है। यूथ कांग्रेस का कार्यालय खेल का मैदान बन चुका है, यहाँ क्रिकेट खेलने के साथ पतंगबाजी होती है। बात करने पर आराम फरमा रहे कर्मी बगले झांकते नजर आए। मेरे पीछे NSUI का प्रदेश कार्यालय और यहाँ भी कमोबेश वैसे ही हालात हैं जैसे यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के हैं। मुख्य दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। इस तालाबंदी को देखकर और फर्श पे जमा धूल को देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी समर होने के बावजूद बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है। NSUI कार्यालय पर भी तालाबंदी है और उसके सामने गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इस बारे में जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने दोनों फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की लापरवाही की बात स्वीकारी। हम यूथ और NSUI का कोई बचाव नहीं करेंगे, ये सच है। आपने जो कहा कि जैसे की तालाबंदी है, युद्ध का समय है, खासतौर से चुनाव एक युद्ध की तरह ही होता है। उन सारे लोगों को ये देखना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं। दोनों ही कार्यालयों का ये आलम है और ये तब है जब पहले फेज के लिए कई प्रत्याशी नामांकन तक कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी अभी भी आराम फरमा रहे हैं। ऐसे में पतंग उड़ेगी या कटेगी? कांग्रेस ऐसे ही ढीले हाथ से काम करती रही तो साइकिल के साथ सफर कैसे पूरा करेगी? NSUI और यूथ कांग्रेस से प्रदेश कार्यालयों पर पड़ी है ताले और यहाँ दिखाई दे रही गंदगी से साफ जाहिर होता है कि हम महीनों से कोई नहीं आया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि युवाओं की सोच को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कहने वाले राहुल गांधी कैसे इन बंद तालों के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी हासिल कर पाते हैं। लखनऊ से कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। कर्मठता की यही कीमत अदा की बीजेपी ने। 14 साल से बीजेपी के बनवास को खत्म करने के लिए कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सेहरा बंधा उनके सिर, जो संग्राम से ठीक पहले तक विरोधी खेमे से लड़ रहे थे या फिर जिनके रिश्तेदार पहले ही कुर्सी पर कमर टिका चुके थे। अब तो यही कहा जाएगा, कार्यकर्ताओं ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। बिना रिश्तों के कैसी राजनीति, बिना संबंधों के कैसी सियासत,
और बिना परिवार के कैसी पॉलिटिक्स, परिवारवादी पॉलिटिक्स की आज की सियासत की असल सच्चाई। कहने को कुछ और भी कहें, करना वही है। पार्टी विद डिफरेंस में बाकियों से बस कथनी करनी का अंतर है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन जब बारी टिकट बांटने की आती है तो सूची बिना संबंधों के पूरी नहीं होती। अब यूपी का ही हाल देख लीजिए। बीजेपी की 5 बार विधायक रह चुकी प्रेमलता की बेटी नीलिमा कटियार को कल्याणपुर से टिकट दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचा हार से टिकट दिया गया। पूर्व मंत्री राधेश्याम गुप्ता के बेटे को अयाज शाह से टिकट दिया गया। रंजना वाजपेयी के बेटे हर्ष वाजपेयी को इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा से टिकट। कैराना से सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट। नोएडा से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट। बढ़ापुर से सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को टिकट। सहसवान से एमएलसी डीपी यादव के बेटे जितेंद्र यादव को टिकट। मलियाबाद से सांसद कौशल किशोर की पत्नी जय देवी को टिकट। फर्रुखाबाद से पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील को टिकट। गोंडा से सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को टिकट। चरखारी से गंगा चरण के बेटे ब्रजभूषण राजपूत को टिकट मिला। कादीपुर सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक काशीनाथ के बेटे राजेश गौतम को टिकट। आलापुर सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक की बहू अनीता कमल को टिकट। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते और सांसद राजवीर सिंह के बेटे संदीप को अतरौली से टिकट। कल्याण सिंह के भतीजे देवेंद्र लोधी को कासगंज सीट से टिकट दिया गया। कल्याण सिंह के चचेरे भाई के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह को अमापुर से टिकट। कल्याण सिंह के भांजे वीरेंद्र वर्मा को एटा सदर से टिकट दिया गया। कर्मठ कार्यकर्ताओं के अरमानों पर कुठाराघात सिर्फ परिवारवाद ने नहीं किया, बाहरियों को भर भर कर टिकट दिए गए। ऐसे ऐसे लोग टिकट पा गए जो 36 घंटे पहले ही भाजपाई बने। शाहबाद से बीएसपी विधायक रही रजनी तिवारी को टिकट। बांगर मऊ से सपा विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को टिकट। नाना पारा से कांग्रेस विधायक रही माधुरी वर्मा को टिकट। लखनऊ कैंट से कांग्रेस विधायक रही रीता बहुगुणा जोशी को टिकट। बीएसपी विधायक रहे श्याम प्रकाश को टिकट मिला। कांग्रेस विधायक रहे संजय जायसवाल को टिकट दिया गया। बीएसपी के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक लखनऊ मध्य से उम्मीदवार बनाए गए। कांग्रेस से आए नंद कुमार नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से टिकट दिया। सपा नेता रही रंजना वाजपेयी के बेटे हर्ष वाजपेयी को इलाहाबाद उत्तर से प्रत्याशी बनाया गया। तिलोई से समाजवादी पार्टी से आए मयंकेश्वर सिंह को टिकट मिला। बाराबंकी से बीएसपी एमएलसी रहे हरगोविंद सिंह को टिकट मिला। अमेठी से कांग्रेस सांसद संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। राहुल गांधी के सारथी रहे धीरेंद्र सिंह जेवर से टिकट पाने में कामयाब रहे। बरौली से आरएलडी विधायक रहे दलवीर सिंह को टिकट मिला। बलदेव से लोकदल विधायक रहे पूरन प्रकाश को बीजेपी ने टिकट दिया। कुल मिलाकर लगभग 4 दर्जन सीटों पर बाहरियों की बाहर आ गई। ऐसे में नीति और नियमों की बात महज दिखावा लगती है। कार्यकर्ताओं की कर्मठता और मेहनत पर पानी फिरता साफ दिख रहा है। जो लोग दशकों से दावेदारी कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, उनके सामने एक नया सेनापति खड़ा कर दिया। क्या यही डिफरेंस है बाकी पार्टियों से? चुनावी चाल में परिवारवादी चरित्र और बाहरी चेहरा तो यही कुछ कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सपा और कांग्रेस का कुंडली मिलान हो चुका था, रिश्तेदारी जुड़ने के सारे पड़ाव पूरे हो गए, लेकिन ऐन मौके पर फूफा फसाद हो गया, अपने बिदक कर बेगाने हो गए और सियासी बंधन पर ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जो रिश्तेदारी में रायता फैला दे और गठबंधन के बाद के परिणामों को बदल दे। कुल मिलाकर बागियों ने तो पूरी तैयारी कर ली है गठबंधन को गलत में ले जाने की। सियासी फेरों में फूफा फसाद, गठबंधन की गांठ से बिफरे अपने,
कैसे पूरे होंगे सियासत के 7 चरण? अब तक ऐसा शादी ब्याह में ही नजर आता है जब अच्छे खासे माहौल में अपना सगा ही रूठ जाता है, और कभी कभी रूठना ऐसी रार बढ़ाता है कि समेटना मुश्किल हो जाता है। सपा और कांग्रेस की गांठबंदी थी, जो बचपन से लाड़ प्यार जता रहे थे, बंधन बंधते ही बिफर पड़े। अब इस सियासी जोड़ी को बंधन बांधकर 7 चरण पार करने हैं, लेकिन फूफा की तरह अपने ही रूठ चुके हैं, आमादा हैं इस सियासी जोड़ी के भविष्य को बिगाड़ने पर। सपा के बागियों ने गठबंधन को गर्त में ले जाने की पूरी तैयारी कर दी है। अंबिका चौधरी सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए। मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं अंबिका चौधरी। एटा सदर विधायक आशीष यादव ने सपा छोड़ी। आशीष यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। भगवंत नगर विधायक कुलदीप सेंगर ने सपा को अलविदा कहा। अरिदमन सिंह और पक्षालिका सिंह ने सपा छोड़ी। पक्षालिका को बीजेपी ने बाह से टिकट दिया। जसराना से रामवीर और बिस्वा से रामपाल ने सपा छोड़ी। रामवीर और रामपाल लोकदल से चुनाव लड़ेंगे। सपा विधायक अशफाक अली खान लोकदल से चुनाव लड़ेंगे। और भी कई विधायकों की सपा छोड़ने की अटकलें हैं। ऐसे में सपा में टिकट बंटवारे और गठबंधन के बाद रूठने की राजनीति सियासी बंधन में रायता ना फैला दे, विरोधी और नाराज गुट ने गठबंधन को गर्त में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में सियासी फेरों में शुरू हुए फूफा फसाद के बाद कांग्रेस और सपा 7 चरण कैसे पार करते हैं और गठबंधन का भविष्य कैसा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। राकेश आए नहीं, रार शुरू हो गई, अटकलों पर अखाड़ा सज गया, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और सियासी गर्मी चढ़ गई। बीजेपी के टिकट पर रामनगर से बेनी के बेटे राकेश वर्मा के लड़ने के चर्चे हुए तो बीजेपी वाले बिदक गए और बवाल शुरू हो गया। सुनते ही संग्राम में बदला सन्नाटा, आने से पहले ही विरोधियों ने बवाल काटा। राकेश के आने मात्र की खबर से रात, बेनी के बेटे पर बीजेपी में तकरार। बस खबर भर फैली थी कि बेनी बाबू के बेटे राकेश वर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या, पहले से कतार में खड़े लोगों में कोहराम मच गया। दावेदारों ने दंगल सजा दिया। बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से सपा के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र व पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा के बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही थी। इसी बीच रामनगर से बीजेपी के टिकट की हसरत रखने वाले बीजेपी नेताओं ने बेनी प्रसाद वर्मा और उनके पुत्र राकेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साफ है, भले बेनी बाबू राकेश को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन रामनगर की रार राकेश की राह मुश्किल कर सकती है, बगावत बीजेपी का बंटा धार कर सकती है। ऐसे में बीजेपी से राकेश वर्मा का जीतना टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि लड़ाई विरोधियों से कम बीजेपी वालों से ही ज्यादा होगी। रामनगर से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार व बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राम बाबू द्विवेदी ने तो खुलकर बेनी बाबू और राकेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी आला कमान तक को नसीहत दे डाली। आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा मोदी जी को बताने वाले बेनी प्रसाद वर्मा जी अगर आज बयान दे रहे हैं कि राम के सहारे रावण का वध करेंगे, तो ये वही बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आज इनको राम की याद आ रही है, इससे पहले ये कहां गए थे? यही बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं मोदी के नाम का चप्पल पहनता हूँ। तो ये मोदी के नाम के चप्पल पहनने वालों की भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा के टिकट वितरण में अहम किरदार निभाने वाले बेनी प्रसाद वर्मा ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अपने ही गृह जनपद में अपनी ही पार्टी से एक टिकट पाने के मोहताज हो जाएंगे, और वो भी अपने ही पुत्र के लिए। लंबे समय तक सपा से दूर रहने के बाद बेनी बाबू ने घर वापसी तो कर ली, लेकिन हाथ का साथ छोड़ने के बाद सिर्फ रुसवाई ही बेनी बाबू के हाथ आई। अड़ियल नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले बेनी बाबू इस रुसवाई से ऐसा आहत हुए कि अपने पुत्र को राम का सहारा लेकर रावण का खात्मा करने की सलाह दे रहा है। राकेश को रावण को मारने के लिए राम का सहारा लेना चाहते हैं। राकेश को रावण को मारने के लिए
राम का सहारा लेना चाहते हैं, राकेश को रावण को मारने के लिए राम का सहारा लेना चाहते हैं। जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि राकेश वर्मा बीजेपी के रथ पर सवार होकर रामनगर के चुनावी समर में किस्मत आजमा सकते हैं। सपा ने राकेश को कैसरगंज से दिया था टिकट, रामनगर से टिकट चाहते थे राकेश वर्मा, रामनगर से अखिलेश अरविंद गोप को लड़ाना चाहते हैं। अरविंद गोप रामनगर से मौजूदा विधायक भी है। रामनगर के अलावा बाराबंकी की बाकी सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे। रामनगर से राकेश को टिकट दिए जाने की अटकलें, बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट में भी रामनगर छोड़ बाराबंकी की बाकी 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा ने इन अटकलों पर मुहर लगाने का काम किया। जिसके बाद कई सालों से रामनगर की सियासी जमीन को कमल की फसल उगाने के लिए उपजाऊ बनाने में जुटे कई बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई। ऐसे में रामनगर की रार कहीं पट्टा धार ना कर दे। बाराबंकी से समाचार प्लस के लिए कामरान अलवी की रिपोर्ट। उपचुनाव में मुजफ्फरनगर से विधायक बने थे और अब फिर से टिकट मिल गया। खैर अखाड़े में आए हैं तो अच्छा है, लेकिन सियासी दाव के बजाय साफ जुबान के डर्टी दाव अजमा रहे हैं। सुनेंगे तो आप भी सन रह जाएंगे। बीजेपी के देव सरेआम सड़क पर गाली देते हैं, चुनाव लड़ने से पहले इनकी ये भाषा है तो चुनाव के बाद क्या होगा, जरा सुनिए। भगवा गुट में गालीबाज प्रत्याशी, मुजफ्फरनगर में बीजेपी के गाली देव, नामांकन करते ही कमर के नीचे की सियासत, विरोधियों पर गाली से हमला। 27 साल प्रदेश बिहार, 27 साल ये प्रदेश बिहार है तो उसे गठबंधन की बात क्यों करते हो? सपा कांग्रेस गठबंधन पर सियासत चरम पर हो रही है। आपस में तो राजनीति हो ही रही है, विरोधी भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी के देव शब्दों की मानक रेखा ही पार कर गए। मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी ने भरी जनसभा में कांग्रेस के नारे की बात करते हुए कांग्रेस नेताओं को गाली दे डाली। फूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में 87,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 87,000 करोड़ रुपए घोटाला, और ये कांग्रेसी सरकार, कांग्रेस के नेता अब ये कहते हैं कि 27 साल प्रदेश बिहार है तो उनसे गठबंधन की बात क्यों करते हो? मुजफ्फरनगर सीट से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल को नामांकन करना था, जिसके लिए कपिल देव ने अपने चुनावी कार्यालय का मुहूर्त करते हुए नामांकन कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान कपिल देव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में संजीव बालियान भी मौजूद थे। जब बारी कपिल देव की आई तो सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं को गाली तक दे डाली। ऐसे में सऊर और संस्कार की बात करने वाली पार्टी के क्या यही संस्कार हैं? सियासी विरोध में क्या बीजेपी प्रत्याशी गालियों की भाषा में बात करेंगे? मुजफ्फरनगर से समाचार प्लस के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। कभी इस पर पूरे फरूखाबाद को नाज था। जो नेता यहां आता था बिना रुके नहीं जाता था। कई दौर की सियासत देखी इसने। यहां चर्चाएं हुई, चौपाले हुई, सियासी समीकरण बने, लेकिन अब नाज होटल अतीत की बात हो गया। देखिए रिपोर्ट। बंद हो गई सबसे बड़ी सियासी चौपाल, जिस पर नाज था वो नहीं रहा। ये होटल नहीं सियासत का अड्डा था। शहर में सियासत की नब्ज बयां करने वाला नाज होटल लगभग 70 साल का सफर पूरा करने के बाद बंद हो गया। चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव में नेताओं की उम्मीदवारी से लेकर जीत हार पर चर्चाओं का दौर अब अतीत की बात हो गई। द्वन्नी की चाय और इकन्नी के शाही पीस से पहचान बनाने वाला नाज होटल कब सियासतदानों का मरकज बन गया ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन एक वो दौर भी आया जब इलाके के बड़े बड़े नेताओं की ख्वाहिश
नाज होटल की महफिल में शिरकत करने की रहती थी। यहाँ जब खुला तो एक जितने जीनियस तबका था, ये सुबह का मजदूर तबका बैठता था, तो शाम को जितना जीनियस तबका था वो आकर बैठा करता था, और सियासी समाजी और मुस्लिम मसाइल पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुआ करती थी। जब चुनाव आते थे तो ख़ास करके नेता यहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो जाते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी साहब भी आए, विमल तिवारी भी आ जाते थे, सलमान खुर्शीद साहब भी आकर अपनी मतलब लोगों से बात करते थे। इसकी कहानी बड़ी पुरानी है। शहर के पक्का पुल पर रानी साहिबा की मस्जिद वाली दुकानों में एक मीर साहब ने 1954 में चाय की दुकान खोली थी, जो नाज होटल के नाम से मशहूर हो गई। उन दिनों दुअन्नी की चाय मिलती थी, पर इससे भी ऊपर यहाँ इकन्नी में मिलने वाला शाही पीस खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। मुस्लिम मोहल्लों के बीच होने के कारण यहाँ सुबह शाम मुस्लिमों का जमावड़ा रहने लगा। नाज होटल कम से कम जो है, मैं समझता हूँ कि 70-80 साल पुराना होटल है, और वो होटल अब बंद हो गया है क्योंकि उनके का देहांत हो गया है, जो होटल था जिनका। जितने भी नेता हुए हैं वो नाज होटल की चाय पीने ज़रूर आते थे, और बैठ करके उस पर वो भी विचार विमर्श करा करते थे नाज होटल पे कि क्या स्थिति रहेगी सियासत की। तो बहुत कुछ डिपेंड करता था इस बात के ऊपर कि वहाँ नाज होटल में जो लोग अपना तय कर रहे हैं उससे ही सियासत चलेगी, या लोगों को मानना था कि नाज होटल में ही मुस्लिम सियासत होती है और सियासी लोग बैठते हैं। होटल पर आने वाले उन दिनों के अखबारों की सुर्खियों पर लोग घंटों चर्चा करने लगे। चुनावों के दिनों में तो यहाँ देर रात तक लोग जमे रहते थे। 70 के दशक में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी से लेकर मरहूम अनवर खां तक इधर उधर से गुजरते तो नाज होटल पर रुके बिना नहीं जाते। नाज होटल डॉक्टर लोहिया के चुनाव से लेकर आपातकाल और जनता लहर, इंदिरा गांधी की वापसी से लेकर राजीव गांधी, अटल और मोदी की ताजपोशी तक के राजनीति के उतार चढ़ाव तक का साक्षी रहा। पिछले दिनों मीर साहब के बेटे ने होटल बंद कर कपड़े की दुकान कर ली। इसके साथ ही नाज होटल और शहर के लोगों का रिश्ता टूट गया और सियासत की बड़ी चौपाल नहीं रही। फर्रुखाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट।